हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में काफ़ी लाइक आया, कमेंट आया, इससे मालूम चला कि आप कितने सीरियस हैं नॉलेज को भी लेके और एग्ज़ाम को भी लेके। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि नॉलेज के लिए जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि रियली में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत सारे कमेंट आए, आइए कुछ कमेंट देखते हैं। जैसे कलीम उल्लाह ने कहा है कि थैंक यू सो मच सर मेकिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू मेक वीडियो ऑन ईच एलिमेंट ऑफ IGC 1। तो मैं सभी एलिमेंट पे बनाऊंगा, हर एक दिन एक एक एलिमेंट का एक छोटा सा सब एलिमेंट पे बनाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कंटिन्यू जो है वॉच करते रहिए, और तो आपको सभी वीडियो जो है धीरे धीरे मिल जाएंगे आपको नोटिफिकेशन में। और रफ़ीकुल्लाह कहते हैं थैंक्स सर, अल्सो अपलोड ए वीडियो लेक्चर ऑन पास्ट पेपर। श्योरली जैसे ही जैसे मैं एलिमेंट्स को ख़त्म करूँगा तो उसके रिलेटेड जो भी पास्ट क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करूँगा, और ये भी डिस्कस करूँगा कि मैंने जो अपने एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस डील किए और कितने नंबर आए, और अपना मार्कशीट भी आपके साथ शेयर करूँगा। और मुहिबुल्लाह कहते हैं होप, और गुफरान खान कहते हैं सर सिर्फ सिस्टम ऑफ वर्क लर्निंग नहीं है, वो बना लो प्लीज़। तो उसके बारे में बनाएंगे जैसे ही IGC 1 में वो सेफ सिस्टम वर्क के बारे में भी है, मैं आपके लिए सेफ सिस्टम वर्क पे स्पेशली डिस्कस कर दूंगा एक वीडियो में। तमीम अंसारी कहते हैं इट विल बी हेल्प फॉर ऑल गाइज स्पेशली मी बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्वाइन फॉर IGC। फर्स्ट आई हैव टू स्टडी टिल सेकेंड मंथ एंड आफ्टर आई विल ज्वाइन, सो प्लीज़ अपलोड ऑल द वीडियोज स्टेप बाई स्टेप। श्योरली मैं स्टेप बाई स्टेप वीडियो अपलोड करूँगा, और आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएंगे। और आशीष कुमार कहते हैं सर ऐसे ही वीडियो हो जिसमें पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो श्योरली मैं सारे टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करूँगा, और अगर आप अच्छा कंसेप्ट बनाते हैं, जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं एग्ज़ाम में, तो श्योरली अगर आप अच्छा कंसेप्ट लेते हैं यहाँ से तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई लाइक दिस टाइप्स ऑफ वीडियो, ये MD शहबाज से कहते हैं। और इरफान खान कहते हैं सर मेरे पास IGC का ओल्ड बुक है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो उससे मैं अपना खुद मॉक एग्ज़ाम लेता हूँ, क्या ये बेनिफिशियल है? श्योरली बेनिफिशियल है, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, कुछ एलिमेंट्स को इधर और उधर, मतलब कुछ कंटेंट इधर उधर होते हैं, लेकिन कंटेंट मैं देखा हूँ, मैंने बहुत पुराने सिलेबस को भी देखा है और अभी लेटेस्ट का भी देख रहा हूँ, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं दिख रहा हमें। मोहम्मद इम्तियाज़ कहते हैं सर आई नीड हेल्प इन IGC 2 रिस्क असेसमेंट। श्योरली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपका IGC 2 में हेल्प भी हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और मुहिबुल्लाह कहते हैं गुड, और HW इंटरनेशनल ट्रेडिंग कहते हैं उर्दू में वीडियो, सॉरी सर उर्दू हमें आती नहीं है, हमें तो हिंदी और अंग्रेजी ही आती है, तो हिंदी और अंग्रेजी में ही वीडियो मिल जाएगा। और तमीम अंसारी कहते हैं हाउ टू ज्वाइन, मैंने फेसबुक की आईडी भी है क्रिएट किया है, मैं यहाँ लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ भी वॉच कर सकते हैं, या यहाँ पे भी अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर प्रेस करके रखते हैं तो आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। यही एक तरीका है ज्वाइन करने का। और मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बनाई हुई है, तो वहाँ भी मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इरशाद अहमद कहते हैं गुड, तो आप लोगों को बहुत सारा लाइक और कमेंट आया और अच्छा लगा, तो मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अपना वीडियो, तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और ये है कोर्स स्ट्रक्चर। इस कोर्स स्ट्रक्चर में अगर आपको निबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि जनरली IGC के नाम से जाना जाता है,
तो अगर इसमें आप जो है IGC 1 में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये एलिमेंट्स पढ़ने हैं। एलिमेंट 1 में है व्हाई वी शुड मैनेज, ये तो मैं कल बता दिया था, ज़्यादा इसमें समय नहीं लूँगा। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो अभी मैं 4 एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट के बारे में बात करूँगा। और IGC 2 में जो है 5 to 11 है, जो कि ये असेसमेंट है। और अगर आपको ये सर्टिफिकेट लेना है तो IG1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्लस IG2 रिस्क असेसमेंट, ये दोनों क्लियर करने होंगे तब जाके ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो पहला एलिमेंट है जिसका नाम है व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, क्यों हमें मैनेज करना चाहिए वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी और इसका क्या कारण है उसी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके की टर्म्स, इसमें क्या क्या की टर्म्स होते हैं। जैसे कि हेल्थ, हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ मतलब क्या है। तो हेल्थ मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इल हेल्थ। अगर किसी तरह का डिजीज़ नहीं है हमें और इल हेल्थ नहीं हो रहा है, यानी कि हम हेल्दी हैं और ये हमारी हेल्थ है, और डिजीज़ होता है और किसी तरह की बीमारी होती है तो ये आप हेल्थ जो है आपका सही नहीं है। जैसे एस्बेस्टस जो है, अगर हमें इनहेल करते हैं तो हमें एस्बेस्टोसिस होता है, तो ये क्या है, एक डिजीज़ है। तो ये क्रोनिक डिजीज़ मतलब लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म इसका इफेक्ट हो सकता है। तो हेल्थ मतलब आप याद रखें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इल हेल्थ। सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब क्या, तो एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। ये सब जो डिफिनेशन है आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसको हूबहू सेम एज इट इज़ जो है आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में। तो कम से कम डिफिनेशन तो आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, और आप एग्जाम्पल में अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं लेकिन डिफिनेशन आपको सेम पुट करना है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सेफ्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, कोई भी सीरियस पर्सनल इंजरी आपको नहीं होता है, यानी कि आप सेफ है। जैसे कि वॉकिंग अंडर ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्रेन ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन इज नॉट सेफ बिकॉज इट इफ द लोड फॉल सीरियस पर्सनल इंजरी और डेथ कुड रिजल्ट। तो इस तरह से जो है कोई आपको ट्रिप होता है, स्लिप होता है, तो ये क्या है, अगर आपको इंजरी होती है तो ये सेफ्टी वहाँ पे नहीं है, यानी कि इसका डिफिनेशन में कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सन इंजरी, ये क्या है, सेफ्टी है। वेलफेयर क्या होता है, तो जहाँ भी कोई आदमी काम करता है वहाँ पे कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज़ होने चाहिए, क्योंकि बिना वेलफेयर फैसिलिटीज़ के कोई काम नहीं कर पाएगा। तो वेलफेयर फैसिलिटी मतलब क्या, जैसे टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, हैंड स्टेशन होना चाहिए, चेंजिंग रूम होनी चाहिए वहाँ पे, रेस्ट रूम होना चाहिए, क्योंकि इन सब के बिना आदमी जो है अच्छे से कंफर्टेबली काम नहीं कर पाएगा। और अगर खाने पीने का जगह वहाँ अच्छा ना हो, टॉयलेट का जगह ना हो, तो क्या है, वहाँ पे गंदगी फैलेगी। तो वेलफेयर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ तो होना ही है कहीं भी, तो ये क्या है, वेलफेयर फैसिलिटी है। बाकी आप जितना इसको बड़ा कर सके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक फैसिलिटी होना ही चाहिए। तो ये तीन की टर्म्स रहा, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। अब मोरल आइए जानते हैं रीज़न फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो देयर 3 रीजन्स होता है, एक जो है मोरल रीजन है, फाइनेंशियल रीजन है और लीगल रीजन है। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन किया जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे मोरल रीजन के बारे में। मोरल रीजन मतलब क्या, आइए एक बार तीनों को समझ लेता हूँ। पहले फाइनेंशियल, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों कंपनी को सफ़र करना पड़ता है। तो अगर ये दोनों कॉस्ट कंपनी को सफ़र करना पड़ता है तो उसको लॉस होता है, और ये कंपनी बंद भी हो सकती है अगर ज़्यादा लॉस हो जाए। जैसे कि भोपाल में बहुत सारे लोग मरेंगे, 10,000 लोग मरेंगे, तो 10,000 कंपनियों का कंपनसेशन कैसे देगा साथ में। तो ये एक रीज़न था जिससे कंपनी उसी समय बंद हो गई, अपनी जो 50 साल क्लियर करने के बाद जो है वो कंपनी बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, पाइपर अल्फा है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, या दिल्ली वगैरह में देखें कि आग लग जाता है, आग लगने के कारण जो है पूरा का पूरा उनका प्लांट जल जाता है और फिर से वो कंपनी जो है उठ नहीं पाती है। तो ये एक रीज़न है फाइनेंशियल रीज़न, जिसके चलते हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करना ही करना होता है। और दूसरा रीज़न है लीगल रीज़न, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है जिसको ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इन्फोर्स करता है ऑल ओवर
वर्ल्ड में हेल्थ एंड सेफ्टी को। लेकिन अगर आप जिस कंट्री में काम करते हैं उस कंट्री में भी वहाँ का एक्ट होता है, रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कंपेंसेशन आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट जो है इन्फोर्स करती है, तो इसके कारण भी लोग हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन करते हैं। ये एक लीगल रीज़न है जिसके कारण हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन किया जाता है। और तीसरा जो रीज़न है वो ये मोरल रीज़न, जैसे कि अगर हम इंसान हैं, हमारे में ह्यूमैनिटी है, और तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो साथी काम कर रहे हैं उनको कुछ इंजुरी हो, या अगर हम किसी कंपनी के मालिक हैं तो हमारे अंदर में जितने भी वर्कर काम करते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि उनको कोई परेशानी हो और उनको कोई इंजुरी हो, पर्सनल कोई लॉस हो जिससे उनके परिवार को। तो ये हमारा क्या है, एक मोरल रीजन है, एज ए ह्यूमन हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचे, तो इसके कारण भी हम दूसरे को सेफ रखना चाहते हैं। तो ये एक मोरल रीजन है जिसके चलते बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के, बिना किसी लीगल टेंशन के, ये अगर मोरल रीजन भी एक ऐसा है जिसके चलते हम चाहते हैं कि सब लोग सेफ रहें। तो ये तीन जो कारण है जिसके कारण जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन किया जाता है साइट पे। तो फर्स्ट जो है जैसे कि आपका मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल, तो ये तीनों जो हैं। तो हम इसमें जानेंगे द मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये जो आप स्टैटिक्स देख रहे हैं, ये स्टैटिक्स जो है आईएलओ के द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि लगभग 350,000 वर्कर जो है फेटल एक्सीडेंट हो जाता है ईच ईयर, यानी कि हाफ ज़्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में होता है इसका हाफ। 2.75 मिलियन पीपुल डाई एवरी ईयर फ्रॉम ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां हम काम करते हैं ना उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल बोलते हैं। जैसे घर है उसको ऑक्यूपेशनल नहीं बोलेंगे, तो जहां भी काम हम करते हैं, जहां मेरा वर्क प्लेस है उसको ऑक्यूपेशनल। तो यहां पे अगर ऑक्यूपेशनल शब्द लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ऑक्यूपेशनल मतलब कि जहां पे हम काम करते हैं, इंडस्ट्री हो गया या जहां भी ऑफिस है या जहां भी काम करते हैं, घर नहीं। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है, और 270 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीज रिकॉर्डेड ईच ईयर, ये रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि आप अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 4% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी लॉस हो जाता है किसके कारण, एक्सीडेंट के कारण। तो अगर ये एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जाए तो ये जीडीपी जो है, जो 4% लॉस हो रहा है एक्सीडेंट के चलते, ये क्या है, कम हो जाएगा। तो ये एक है। उसके बाद अब दूसरा जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, तो मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल रीजन दो कॉस्ट हो जाते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट किसे बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता है। तो जो भी लॉसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या है, जिसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोज विच अराइज डायरेक्टली एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट इनडायरेक्ट, जो उसके कॉन्सिक्वेंस के चलते होता है, जो एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंस के चलते होता है, तो ये है इनडायरेक्ट। तो एग्जाम्पल्स आप समझ जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। जैसे कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो तुरंत जो है उसमें फर्स्ट एड देने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद उसमें जो खर्च आता है वर्क सिक पे, अगर वो 2-3 दिन तक अगर वर्क प्लेस पे नहीं आता है तो उसको सिक पे देना पड़ता है। अगर कोई मशीन मटेरियल डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर में, रिप्लेसमेंट में, डैमेज बिल्डिंग एंड डैमेज इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, और लॉस्ट ऑफ डैमेज प्रोडक्ट, लॉस प्रोडक्शन टाइम लॉस हो जाता है। तो ऐसे जो है ये क्या है, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और ये इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या, जैसे कि वहाँ पे रिडक्शन इन स्टाफ मोरल, तो वो जो है अगर उनकी मोरल अच्छी नहीं होती है तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इफिशियंसी, ये सब डाउन होगी, तो वो भी एक लॉस है जिसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं।
जनरल डिफ़िकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड रिट्रेनिंग स्टाफ। अगर किसी फैटल हो जाता है या कोई LTI हो जाता है, लॉस्ट टाइम इंजरी जिसको बोलते हैं, अगर कोई आदमी 24 घंटे पहले काम पे नहीं आता है तो उसकी जगह पे आपको तो कोई ना कोई स्टाफ रखने पड़ेंगे। तो उस स्टाफ के लिए अगर दूसरे को आप हायर करते हैं तो उसका हायरिंग का खर्चा आएगा, उसके बाद उसको मान लीजिए कि वो काम जो है करना ही, तो उसकी उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, सिखाने में भी 10 दिन 15 दिन काम के अनुसार लग जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डैमेज टू पब्लिक इमेज, बिजनेस रिपुटेशन डाउन होता है कंपनी का, जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं कर पाएगी मार्केट में, तो दिस इज ऑल्सो रीज़न। और डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल एक्शन स्ट्राइक, और स्ट्राइक वगैरह भी हो सकते हैं, अगर वहाँ एक्सीडेंट होता है तो लोकल वाले स्ट्राइक कर देते हैं या जो वर्कर्स की यूनियन है स्ट्राइक कर देते हैं, इसके चलते 2-3 दिन कंपनियाँ बंद रहती है डिपेंड अपॉन द स्ट्राइक। तो ये भी एक जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि उसी एक्सीडेंट से अराइज हुआ है, इसीलिए कॉस्ट दो तरह के हो गए, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट। इसमें एक चीज़ और आपको जानने की हो सकता है, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड, मतलब जैसे अगर कोई भी कंपनी आप जानते हैं, चाहे आप अपना खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं, कंपनी भी इंश्योरेंस करवाती है, और इंश्योरेंस करवाने के लिए इंश्योरेंस करवाने के बाद तो उसमें कुछ रहता है कि किस तरह का लॉस होगा तो इंश्योरेंस कवरेज होगा, और किस तरह का लॉस जो है कवर होगा तो इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू टेक आउट इंश्योरेंस टू कवर सम ऑफ द लॉसेज दैट माइट फॉरसिबली ऑकर टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली जो है इंश्योरेंस करवाते हैं जो कि जो एक्सीडेंट हो सकता है उसके ऊपर, तो आप देखेंगे आजकल तो हर जगह इंश्योरेंस हो गया है, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेंगे, कोई कंपनी है आप यहाँ तक कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवाते हैं, तो ये सब जो इंश्योरेंस है तो ये इंश्योरेंस जो है आपको कोई एक्सीडेंट होता है तो बचाता है। तो हमने जैसे बताया कि जो एक्सीडेंट होता है उसमें दो तरह के हो जाते हैं, एक इंश्योर्ड कॉस्ट एक अनइंश्योर्ड कॉस्ट। तो अनइंश्योर्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, इंश्योर्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं जो इंश्योरेंस में कवर होगा। तो आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबल इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड लॉसेज इंक्लूड। तो इंश्योर्ड कॉस्ट में जैसे डैमेज टू प्लांट, अगर प्लांट में डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, बिल्डिंग इक्विपमेंट डैमेज होता है तो देगी, कंपनसेशन आप अगर वर्कर को देते हैं तो वो पैसे देगी, इसलिए इसको इंश्योर्ड कॉस्ट बोलते हैं। मेडिकल कॉस्ट जो भी आएगा उस वर्कर का वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। लीगल कॉस्ट, कोई सरकार जो है 2 लाख 4 लाख का फाइन लगाता है या आपके ऊपर, तो वो सभी जो है आप क्लेम कर सकते हैं, तो लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लीगल क्लेम फॉर कंपेंसेशन, ये सारे पैसे जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं, ये कवर्ड रहता है, तो इसीलिए इसको जो है इंश्योर्ड कॉस्ट बोलते हैं। और अनइंश्योर्ड कॉस्ट जो है जो कि इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती है लेकिन वो इनडायरेक्टली वो जो है लॉस होता है कंपनी में, तो इसको अनइंश्योर्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है प्रोडक्शन डिले और डाउन टाइम, जो प्रोडक्शन डिले हुआ उसका पैसा नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम जो लगा, और क्रिमिनल फाइंस एंड लीगल कॉस्ट जो आया, और सिक पे फॉर इंजर्ड वर्कर्स, ओवर टाइम टू मेक अप फॉर लॉस प्रोडक्शन, हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉई, लॉस ऑफ बिजनेस रिपुटेशन। तो ये अनइंश्योर्ड कॉस्ट है जो कि जनरली कवर नहीं होता है इंश्योरेंस में, तो इसीलिए जो है और फाइनेंशियल जो रीजन है मेंटेन करने का उसमें दो तरह का कॉस्ट हो गया, इंश्योर्ड कॉस्ट एक अनइंश्योर्ड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम से कम आपको तो ये एग्जाम्पल के सहित आपको ये सब रट के रखने चाहिए ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली जाके लिख पाएँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कहीं लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँगा, और हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप बताएंगे तो मैं और डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को जिससे कि वो जो है कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और कोई भी लेक्चर मिस ना हो उनके लिए भी, और
आपका कोई भी सजेशन जो है मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इम्प्रूव करूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।